वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है डीप एनर्जी रिसोर्स। इस शेयर का जो आज का प्राइस है 55 रुपीज़ 90 पैसे, इसका प्राइस है आज की डेट में। इसने करीब 5.6% अपनी लो पे अपनी क्लोजिंग दी है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम सीधा बात करते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर। सबसे पहले फोरकास्ट के ऊपर आते हैं। आपके सामने पेनी स्टॉक है तो किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं हम फाइनेंस के ऊपर। जैसे हम फाइनेंस के ऊपर आए हैं, इसके लास्ट 4 ईयर का रिवेन्यू चेक करते हैं हम, 2018, 2019, 2020 और 2021। 2019 का रिवेन्यू आपके सामने है 319 करोड़, पर वो घट के 2019 में आप 33 लाख रुपये के आसपास आ गया। उसके बाद 2020 में 74 लाख का रिवेन्यू बढ़ा है। उसके 2021 में करीब ये 2.4 करोड़ के आसपास हो गया। उसके बाद देखते हैं नेट इनकम। आप देखोगे 2018 में इसकी नेट इनकम थी करीब 77 करोड़। उसके बाद ये 2019 में घट के 0.17 होगी। उसके बाद 2020 में फिर थोड़ी इनकम बढ़ी है, पर 2021 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑल ओवर आप देखोगे कि कंपनी कम से कम लॉस में नहीं है। अब एक बार देखते हैं होल्डिंग। तो ये पहली स्टॉक है, तो इसमें मैं वो नहीं कह सकता कि आप इसमें ट्रेड करो। ट्रेड का मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि पेनी स्टॉक में मैं खुद ट्रेड को कभी किसी को नहीं कहता। हमेशा निफ्टी या नेक्स्ट 50 शेयर में आप ट्रेडिंग करो। अब प्रमोटर होल्डिंग आप देखो, प्रमोटर की 63.9% होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है पिछले 2019 से आप देखोगे। उसके बाद आती है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं, DII की होल्डिंग थी 2019 में, उन्होंने पैसा निकाल लिया अपना। उसके बाद देखते हैं FII की होल्डिंग। FII की 5.8% होल्डिंग, और FII की होल्डिंग स्टेबल है। थोड़ी कमी आई थी 2019 के, पर वो एक माइनर कमी थी। उसके बाद बाकी सारी होल्डिंग पड़ी है रिटेल के पास। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी को इसमें पैसा लगाना या नहीं लगाना। मैं मानता हूँ कि कंपनी स्टेबल है, क्योंकि आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, और ओवरऑल देखोगे लास्ट आप 3 ईयर देखोगे तो कंपनी की थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी हो ही रहा है। और कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। आप इसका मार्केट कैपिटल देखोगे तो सिर्फ 179 करोड़ की सिर्फ कंपनी है। अब ऐसे कंडीशन में अब आता है इसका, एक बार हम देख लेते हैं कि किसी को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस कंडीशन में अगर कोई अभी से पैसा लगाना चाहता है, देखो एक शेयर बहुत ऑल टाइम पीक पे अगर किसी ने ले रखा है तो 55 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकता है। और अगर कोई इसको पैसा खरीद इसमें मतलब शेयर खरीदना चाहता है तो वेट करें। अगर ये 45 रुपये के आसपास आएगा तब इसका मेरे हिसाब से सबसे सही टाइम है बाय करने का। तो अभी का ये है कि 55 रुपये का SL है। शेयर ऑल टाइम पीक पे, एक पीक पे है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लगातार इसमें। और लेने का सही टाइम है इस शेयर को, अगर 45 रुपये के आसपास आए तब आप सही टाइम है इसको लेने का। स्टेबल कंपनी पेनी स्टॉक है, तो इसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर कंपनी ओवरऑल ठीक है, इतनी बुरी कंपनी है ठीक ही लगी है अकॉर्डिंग प्रमोटर होल्डिंग जो भी है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।